हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अधिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यूट्यूब की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज के इस ऑर्गेनिक वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपको कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे जो कि किसी भी एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। तो दोस्तों, इस ऑर्गेनिक वीडियो लेक्चर में, और ऑर्गेनिक क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर एक पारंपरिक क्लासरूम के माहौल से हट करके प्रकृति की गोद में यानी नेचुरल एनवायरनमेंट में हम शूट कर रहे हैं। तो आप तरह तरह की आवाजें हो सकता है आपको सुनाई भी दे रही होंगी यहाँ पर, लेकिन ये मशीनों मोटर गाड़ियों के शोर धुएं से दूर बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में शूट कर रहे हैं हम इस वीडियो को। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप तरह तरह के अपने दोस्तों फैमिली से मिलते हो, परिवारों से मिलते हो या अदर लोगों से मिलते हो, तो आप उनके परिवार के बारे में जानने की इच्छा रखते हो या जानते हो। तो क्या आप लोग हर रोज तरह तरह के पेड़ पौधों से मिलते हो, आप उनके परिवार के बारे में जानते हो? अगर नहीं जानते तो हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको उन्हीं पेड़ पौधों के परिवार के बारे में आपको हम बताएंगे, यानी उनकी फैमिली के बारे में हम बताएंगे। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर काफी बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहे हैं, तो साइंस के टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो पेड़ पौधों की अगर हम बात करें तो पेड़ पौधों में हम सबसे पहले बात करते हैं कि पेड़ पौधे जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, वो डिस्कस करेंगे एक बीजपत्री पौधों से रिलेटेड। उससे पहले दो शब्द आप देख लीजिए वो क्या है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में देना है दो शब्द, एक पागल। हाँ, पागल कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो। आपका स्टडी का जुनून है और आपकी मंजिल की तरफ आपको जाने का जुनून है, वो आपको पागल बना सकता है। तो पागल का मतलब ये नहीं होता कि जिसका दिमाग है वो भटका हुआ हो। पागल का मतलब वो होता है कि जो व्यक्ति अपने किसी भी काम के प्रति जुनूनी होता है। तो यही दो शब्द हमने यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन आपको अपने जुनून में इन्हीं को जोड़ना है और आपके पढ़ाई के जुनून को ये बढ़ाएगा ये शब्द, और उसमें वृद्धि करेगा आपके नॉलेज में। तो किस तरह से करेगा, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो एक से आपको याद रखना है, एक का मतलब है यहाँ पर एक बीज पत्री पौधे, एक बीज पत्री पौधे। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में, क्योंकि हमने आपको बताना है प्लांट की फैमिली यानी परिवार के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पादप की, पेड़ पौधों की, तो आपको ध्यान में रखना है एक पागल। एक पागल मतलब एक बीज पत्री, और पागल से आपको याद रखना है, पागल से हम डिस्कस करेंगे वो क्या, इन पेड़ पौधों का परिवार। क्या डिस्कस करेंगे, पेड़ पौधों की फैमिली। क्या फैमिली, यानी एक पागल फैमिली, और पागल फैमिली सभी की होती है क्योंकि उसमें तरह तरह के कार्टून हैं, जोकर हैं, वो पाए जाते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर फैमिली के बारे में। तो पागल में आपका सबसे पहला जो शब्द है पा, पा से आपको ध्यान में देना है, पा का मतलब है पामी फैमिली। पा का मतलब क्या है, पामी फैमिली। दूसरा जो शब्द है इसके अंदर, जो शब्द है गै, गै से आपको याद रखना है ग्रैमिनेसी फैमिली। क्या ध्यान में रखोगे, ग्रैमिनेसी फैमिली। और तीसरा जो शब्द है जो यहां पर दिया गया है ले, ले का मतलब है यहां पर लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली। तो एक बीजपत्री पौधों के संदर्भ में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग फैमिली यानी अलग अलग कुल परिवार जो है पेड़ पौधों का। और इनके उदाहरण हम आपको बताएंगे क्योंकि इनके उदाहरण से रिलेटेड है वो क्वेश्चंस हैं, पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो। तो हम इनके उदाहरण आपको बता देते हैं कैसे उनको याद रखना है। जैसे कि किसी परिवार के अंदर अगर हम देखें तो सभी सदस्यों के अंदर किसी न किसी प्रकार के, चाहे उनके रंग रूप में, चाहे उनके शारीरिक आकार में या उनके गुणों में, कुछ न कुछ समानताएं होती हैं। तो यहां पर हम आपको पेड़ पौधों के बीच में वो समानताएं बताएंगे जिससे कि आप रिलेट करके और उनके उदाहरण है वो आसानी से याद रख सकते हो। तो आइए हम देखते हैं कि किसके बीच में क्या समानता है और वो किस परिवार से संबंध रखता है। तो पामी फैमिली से आप ध्यान में रखिएगा, पाम, पाम यानी डेट पाम, जो कि होता है खजूर। खजूर को हम कहते हैं क्या, डेट पाम कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है खजूर, और खजूर शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं,
खजूर, ताड़ या नारियल किसके लिए प्रयोग करते हैं? यानी जो व्यक्ति लंबाई में बहुत ज्यादा, उसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि खजूर के जितना लंबा है, ताड़ के जितना लंबा है या नारियल के जैसा लंबा है। तो इन पौधों की एक कॉमन जो है कैरेक्टरिस्टिक है, कॉमन गुण है, वो क्या है कि इनकी लंबाई काफी ज्यादा होती है। तो पामी फैमिली में ये आते हैं, खजूर, ताड़ का पौधा, नारियल, ये जो पौधे हैं ये इसके उदाहरण है पामी फैमिली के। तो इनका एक कॉमन गुण है, वो क्या है, इनकी लंबाई। तो लंबाई से जो आप याद रख सकते हो कि खजूर अगर लंबा है तो खजूर के जैसा लंबा कौन है, नारियल है, नारियल के जैसा लंबा कौन है, ताड़ का पेड़ है। तो इनको हम आसानी से याद रख सकते हैं, पामी फैमिली एक बीजपत्री पौधों की वो है इनके एग्जाम्पल। दूसरे अगर हम बात करते हैं तो दूसरी जो फैमिली है ग्रैमिनेसी, ग्रैमिनेसी इसको ग्रास फैमिली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रास फैमिली या घास का परिवार भी कहा जाता है। तो इनको आप देखोगे तो सारे के सारे जो पौधे हैं वो घास के जैसे दिखाई देते हैं। घास आपने देखी होगी, दूब देखी होगी ना, तो दूब के जैसे पत्ते होते हैं वो इन सभी के होते हैं। तो इनके अंदर अगर हम देखें तो सबसे कॉमन पौधा है वो हम देखते हैं गेहूं की फसल का। गेहूं के अलावा अगर हम देखें धान जो होते हैं, चावल, चावल का पौधा जो धान होता है वो क्या है, वो भी उसके पत्ते अगर आप देखोगे घास की तरह होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जौ, जई, और अगर हम बात करते हैं बांस, बांस का जो पौधा होता है, बांस आपने देखे होंगे, बांस का पौधा शायद ना देखा हो, लेकिन बांस का पौधा है वो भी क्या है, सबसे लंबे घास की श्रेणी का पौधा है, जो कि इन्हीं का एग्जाम्पल है, ग्रैमिनेसी फैमिली यानी ग्रास फैमिली का सदस्य है। तो ये कुछ उदाहरण है जो आप याद रख सकते हो ग्रैमिनेसी फैमिली के संदर्भ में, इंपॉर्टेंट है अपने आप में और ये पूछे जा चुके एग्जाम के अंदर। अब फर्दर अगर हम बात करें तो लिलियेसी परिवार है, लिलियेसी परिवार, लिलियेसी, लिली, लिली से याद रखना, ले से लहसुन, लहसुन, अगर आपने लहसुन देखा है, लहसुन खाया है, और लहसुन से याद आया कि लहसुन जो है कि ये कोरोना के संदर्भ में इसका काफी जिक्र हुआ है, ये काफी ज्यादा हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने वाला पदार्थ है। और लहसुन को अगर आप देखोगे तो इसकी जो आकृति है वो एक और जो है पौधे से मिलती है, जिसको हम कहते हैं प्याज। तो लहसुन और प्याज दो कॉमन चीजें हैं हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली, उनकी फैमिली जो है, उनका परिवार है, वो संबंध है लिलियेसी फैमिली से, यानी इन दोनों का संबंध है। तो आगे से आप ध्यान रखोगे कि लहसुन और प्याज जब भी देखोगे आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि ये क्या है, लिलियेसी फैमिली, यानी इनका परिवार क्या है, लिलियेसी है। अगर हम बात करें कि जब भी हम गेहूं, चावल, जौ, जई या बांस को देखेंगे तो घास को देखते ही आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि कौन सी फैमिली है, ग्रैमिनेसी। और अगर आप देखते हो पामी, पामी फैमिली का कोई भी सदस्य है, अगर आप किसी को देखते हो जो लंबाई में, जिसकी हाइट काफी अच्छी है, उसको आप कोई ये कह दे ताड़, खजूर या नारियल, तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए कि ये किस परिवार का सदस्य है, पामी परिवार का सदस्य है, पामी फैमिली यानी पामी कुल का सदस्य है। तो आई होप कि ये चीजें आपके समझ में आई होंगी। और इस प्राकृतिक वातावरण में जो कि बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, अगर यहाँ पर आप क्लासरूम में होते तो आपको पता चल जाता। तो ये काफी बेहतरीन जो है उदाहरण है इन सब चीजों के, एक बीजपत्री पौधों के परिवार, उनकी फैमिली के बारे में, उनके कुल के बारे में। बाकी द्विबीजपत्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और आप अपना रिस्पॉन्स है इस वीडियो के प्रति आप हमें बताइए, ताकि हम कंटिन्यू कर सकें फर्दर जो है इसी माहौल के अंदर, एक नई कुछ चीजें लेकर के आ सकें आपके लिए, ताकि आपके कुछ हेल्प हो सके, क्योंकि यह जो लॉकडाउन का समय है, कोरोना का समय है, इसका हमने सदुपयोग करना है। तो अपने आप को स्वस्थ रखिए, व्यस्त रखिए, और बाहर नहीं निकलना, घर बैठे सावधानी पूर्वक अपनी पढ़ाई है वो पूरी कीजिए, धीरे धीरे सही, लेकिन उसको आगे लेकर के चलिए, इम्प्रूवमेंट करते रहिए, और अपना रिस्पॉन्स है हमें जरूर बताइए। और नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ में कुछ नया लेकर के हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, कोरोना से बचाव कीजिए और वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।